हिमाचल प्रदेश की नाचन विधानसभा एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहां पर स्थानीय विधायक विनोद कुमार को ज्ञान चौहान, जो कि भाजपा के ही नेता हैं और जिन्हें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का करीबी चेहरा माना जाता है, लगातार चुनौती दे रहे हैं। पिछले कल जब वे एक जनसभा को विधानसभा में संबोधित कर रहे थे तो अचानक से वहां पर बिजली चली गई। बिजली जाने का कारण जब पता किया ज्ञान चौहान ने, तो सीधा सीधा आरोप लगाया कि वे विधायक विनोद कुमार के निर्देशों पर ही हुआ है, जो उनके भाषण देते यहां पर बिजली चली गई। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने यहां पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लगातार विनोद कुमार उनका विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि अब वे बिजली बंद करने का काम कर रहे हैं। मतलब नाचन में अब भाजपा आमने सामने है। मिली जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी विधानसभा का दौरा है और विधानसभा के दौरे से ठीक पहले जो माहौल यहां पर आपस में तनाव का दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच में बना हुआ है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री आज इन दोनों जनों को किस तरह से बिठाकर सारी चीजों को एडजस्ट करेंगे और किस तरह से जो आरोप ज्ञान चौहान ने विनोद कुमार के ऊपर लगाए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। सूत्रों की माने तो आज ज्ञान चौहान अपना शक्ति प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने कर सकते हैं। कहां नाचन क्षेत्र में हुआ है, लेकिन पिछले दो वर्षों में बहुत कुछ बदला है नाचन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों को आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि यहां नौबत इस तरह की आ गई कि मेरे आने मात्र से यहां लाइट काट दी गई। जिस दिन आप भारी संख्या में एकत्र होकर हमें वोट करेंगे, उस दिन के बाद पता नहीं आपका क्या क्या बंद करने वाले, इसी के लिए आप तैयार रहें। आज हम विकास की बात करते हैं कि नाचन में विकास बड़ा हुआ है। विकास इससे ज्यादा होना था, लेकिन अगर इनकी कार्यशैली ठीक रही होती, जो आज हमारे साथ द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, अगर इनका काम करने का तरीका साफ संकेत देता कि विकास की धाराएं ये बहती कि आपके यहां से बहुत सारे लोगों को नए रोजगार मिलते, बहुत सारे लोगों को यहां नई सुविधाएं मिलती, बहुत कुछ नया मिलता। लेकिन इतना जरूर है कि जब से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, आप सब लोगों को पता कि मैंने पहले प्रधान भी रहा हूं पंचायत में, तो जिस दिन से मैंने पहला चुनाव लड़ा था उस दिन से ही मेरा विरोध जो है स्थानीय विधायक द्वारा करना शुरू हो गया था। एक ऐसी 20-25 लोगों की टीम बना ली, जिसमें उसने अपने एक नेक्सस जैसा, जिसको हम गैंग बोलते हैं, गैंग बना ली, जो अंडरवर्ल्ड की भाषा में गैंग बोलते हैं। वो गैंग का काम है कि वो झूठा प्रचार करें, खासकर हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए। वहां से 2-4-6 लोगों को पकड़े, जब कहीं बैंड बजता है तो सबसे पहले उनको आगे नचाया जाता है। नाचना भी चाहिए, लेकिन अब पिछले 2 महीने से तो विधायक खुद नाच रहा है, क्योंकि उसको पता है इसके बाद नाचने का मौका मिलने वाला है नहीं। अभी नाच लूं, जो नाचना उसके बाद बारी खत्म होने वाली है। हमारे महिला मंडल जितने भी नाचन विधानसभा क्षेत्र के, पिछले 6 महीने से ठगे जा रहे हैं। कभी इन्हें कोर्ट बग्गी बुला लिया जाता है, कभी जासन में बुलाया जाता है, कभी गोर बुलाते हैं, कभी उनके पिताजी आके ठगते हैं, कभी उनकी धर्मपत्नी आके बोलती है कि आओ आपको पैसा दिया जा रहा है 50,000 रुपए, और कभी कहते हैं कि आपको मशीनें देंगे कपड़े धोने वाली, कभी कहते हैं कपड़े सिलने वाली। आज हम एक बैठक में गए थे नीचे, सेथल पंचायत है पूरा, और राजपूत कम्युनिटी का गांव है, वहां भी महिलाएं हमारे साथ समाज में बैठी थी। तो बोला कि 6 महीने से हम जाके हमारे तो जूते भी घिस गए, ना तो कपड़े धोने की मशीन मिली, ना कपड़े सिलने वाली मिली। हाँ, 20-22 कुर्सियां जो आजकल फेरी वाले गांव-गांव में जाके बेचते हैं 2-2.5-2.5 रुपए की, वो 20-22 कुर्सियां मिली है। एक ढोलक दे दिया, एक चिमटा दे दिया और साथ में एक दरी दे दी, और बोला गया कि कुछ लोग बैठे और कुछ ढोलक जाए, कुछ नाचते रहे। इसी के साथ आपका विकास होता रहेगा। और ये 50,000 रुपए का सामान है, आप अंदाजा लगा लो, 168-170 के आसपास महिला मंडल नाचन रजिस्टर्ड है, जिनको 50-50 लाख रुपए की राशि जो है सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी कि वो महिलाओं की इच्छाओं के अनुसार, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार।